गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज का डे ना बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। या सो आज ना हमने बहुत सारा काम करा है, हमने बहुत सारा इंडोर शूट करा है, हमने अभी हमारा प्लान हो रहा है आउटडोर शूट के लिए। सो हम जा रहे हैं अभी आउटडोर शूट के लिए भी। सो यू सी टायर्डनेस ऑन माई फेस, बहुत ज़्यादा थक चुकी सुबह से ना। आज बेवजह बहुत 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 सारा काम हो गया था मुझे। नानी जी इज नॉट फीलिंग वेल, सी इज बिट सिक। नानी जी कैसा तबीयत है? आप दिख नहीं रही हैं ब्लॉग में, तब से लोग परेशान हैं कि नानी जी को क्या हो गया। तबीयत खराब हो गया, नानी जी का तबीयत खराब हो गया है। हम लोग गए थे हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह लेके आए हैं, बट जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। ठीक होना चाहिए, कल व्रत है। मैं तो बोल रही हूँ कि नानी जी मत कीजिए ना वो व्रत, क्योंकि कल जो नानी जी का व्रत है ना, जीवतिया का है ना, जीवतिया का व्रत है। और इस व्रत में ऐसा होता है ना कि पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ खाते भी नहीं है पूरा दिन। एक्चुअली पूरा दिन नहीं, 24 घंटे कुछ ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं। सोमवार को खाओगे सुबह में? हाँ, तो हम बोल रहे नानी जी आपका तबियत नहीं ठीक है तो मत कीजिए ना। अरे किया जाता है यार, जरूर। मान ही नहीं रही है मेरे पास 75 साल में कोई फांस, इतने साल तो की ही है ना आप। किया तो मैं बता, बेटा का माँ हूँ, नानी हूँ, नाती का नहीं मानने वाली है। मैं ऑलरेडी इनको इतना समझा चुकी हूँ कि प्लीज मत कीजिए, रहने दीजिए रहने दीजिए, बट आप मान ही नहीं रही है। नहीं भी छोड़ना होता है जब तक जिंदगी रहती है, ये मरने मरते समय मतलब जब तक जिंदगी रहती है तब तक नहीं छोड़ा जाता है ये फास्ट। हाँ बेटा करना, बाप रे बाप, करना पड़ता है। एक समय माँ लोग क्या क्या करती हैं, एक समय आएगी तो तुम लोग को भी करना होगी। हम तो नहीं करेंगे। बाप रे बाप, तो नहीं करेगी क्यों, ऐसे ही नहीं करेंगे आप? 24 घंटे कुछ खाओ पियो नहीं, करना ही होगा। मतलब माँ लोग से ना कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो कुछ भी कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए। सो जो 75 ईयर्स एज हो गया है नानी जी का, मे बी उससे ज्यादा ही हो गया होगा, बट स्टिल ये 24 आवर ना पानी लेंगी एक बूंद, ना ये ना कुछ भी खाएंगी। इट्स वेरी वेरी टफ कि आप ना अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा फील में भी हूँ, लेकिन नानी जी का तबीयत खराब है तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, बट ये मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ नानी जी मान जाइए ना। मरते मरते दम तक अपने बच्चे के लिए ये करेंगी, नहीं छोड़ेंगी, इनका कहने का मतलब ये। नानी जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी 3-4 दिन से बाहर गए नहीं है, तो जाते थोड़ा काम वाम करके आते हैं, ठीक है नानी जी? चलिए ठीक है, थैंक यू नानी जी। आप मेडिसिन वगैरह खा चुकी हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है? हाँ, किसी चीज का जरूरत होगा तो वो पूजा जी आती है उनको बता दीजिएगा। हाँ। आपका ख्याल रखेंगी वो। हाँ हाँ आपके पास है ना नंबर, आपके फोन में है, उसको कॉल कर लीजिएगा, उनको कॉल कर लीजिएगा, वो तुरंत ही आ जाएंगे। फाइनली हम निकल गए हैं आउटडोर के लिए, और पिंक पिंक पिंक, मैंने इतना पिंक पहली बार पहना है। अभी ना हम लोगों ने आउटडोर में बहुत बहुत ज़्यादा सूट कर लिया है, और ना देखोगे ना आंखों में पूरी नींद भरी हुई है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि पूछो ही मत, बिल्कुल मन नहीं हो रहा। पता है क्या, ब्लॉग में ना कुछ भी कंटिन्यू ही नहीं कर पाते, क्योंकि काम में इतना ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसा चाहिए ना कि जो आप काम कर रहे हो, एक आदमी ना आपका ब्लॉग बना रहे हैं और समथिंग लाइक, तभी हो पाएगा। अदरवाइज ना बहुत टफ है इतना ज़्यादा सूट करना। और हाय राम, ओ बहुत अच्छा, आप पीछे देखो स्काई में कुछ दिख रहा है आपको? भाई भाई भाई, जो आप देख रहे हो ना, बस भाई उसी की बात कर रहे हो। चला गया,
अभी जल्दी घर भी जाने बिकॉज नानी जी थोड़ी तबीयत ख़राब है और वो हमारा इंतज़ार कर रही होंगी. सो हैव टू गो होम वेरी 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 सून. ओके बाय गाइस, सी यू इन होम एंड टॉक टू यू लेटर. बाय. फाइनली घर आ चुके हैं और नानी जी बात करने में लगी हुई है उधर. और कल फास्ट है तो बहुत सारा मिठाई और बहुत सारा जूस वगैरह हम लोग लेके आए हैं क्योंकि आज रात में खा लेंगी. कल तो यू नो कि कल पूरा दिन और पूरा रात को कुछ नहीं खाना है नानी जी को. लालची मस्ट टायर्ड है. सबके जिंदगी के